नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, बीजेपी के जो नेता हैं ना, वो इतना ज़बरदस्त तरीके से प्रचार करते हैं कि चुनाव के समय समय तक पूरे क्षेत्र को एकदम भगवामय कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आप 2014 का ले लें, 2019 का लोकसभा चुनाव ले लें, किस तरीके का उनका स्ट्रेटजी और प्लान्स होता है हर कैंडिडेट के लिए, तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की एंट्री तक हो जाती है जिताने में। लेकिन अब सवाल ये है कि भाई, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे काराकट में भी जो चुनावी समर है वो बढ़ते नजर आ रहा है। लेकिन एक बात हम ये कह देते हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, पवन सिंह भले ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब उन पर और भी बड़ा टेंशन बढ़ते नजर आ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है ये मैं आपको अब बता देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें तो आपको पता होगा कि काराकट लोकसभा सीट, अगर 2014 की बात कर लें या फिर 2019 की बात कर लें, तो इन दोनों लोकसभा चुनावों में एनडीए अलायंस यानी कि बीजेपी के साथ जो लड़कर चुनाव लड़ा है वो वहां पर जीत दर्ज किया है। इस बार की लड़ाई थोड़ी सी अलग है। उपेंद्र कुशवाहा जो 2014 में जीते थे, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है एनडीए अलायंस के साथ, और इंडिया अलायंस के साथ सीपीआईएमएल के राजाराम कुशवाहा है, और बीच में जब पवन सिंह कूद गए हैं तो मामला मनाया जा रहा है कि त्रिकोणीय बना दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सच में पवन सिंह टक्कर दे रहे हैं, क्या सच में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा और राजा खुशराम कुशवाहा की टेंशन बढ़ा रहे हैं। तो अभी तक जो सिनारियोज है, अभी तक जिस तरीके से पवन सिंह के रोड शो, नॉमिनेशन और पवन सिंह के रैलियों में जिस तरीके से क्राउड नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है, उससे तो देखकर यही लग रहा है कि भाई पवन सिंह जबरदस्त तरीके का फाइट कर रहे हैं और मामला को त्रिकोणीय बनाने में शायद वो सफल हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों, तमाम राज्यों के कैबिनेट, तमाम कैबिनेट मंत्री हों, तमाम एमपीज हों, बड़े चेहरा हो, फायर ब्रांड नेता हो, स्टार प्रचारक हों, वो धीरे धीरे जो है काराकट में माहौल बनाने लगेंगे। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर कूदेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो भारी पड़ने लगेंगे। और रही बात कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के रोड शो में यानी कि अंतिम मौके पर लगभग लगभग जो एक बड़ा चेहरा है उसके रोड शोज में या फिर उसके लिए कैंपेन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में जाकर प्रचार कर देते हैं चुनाव से 2-3 दिन पहले, तो फिर हो सकता है कि पवन सिंह टाई टाई फिस हो जाएं। क्योंकि मोदी का पावर एक अलग पावर है। मोदी जब जाते हैं तो वहां का हवा जो है उसका रुख मोड़ देते हैं। और अब नजर बनी रहेगी कि भाई उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार प्रसार में कौन जाता है, और अगर मोदी जी 2-3 दिन पहले जाकर उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में प्रचार करते हैं तो शायद ये बहुत बड़ी मुश्किल कहीं ना कहीं पवन सिंह के लिए हो सकती है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, आपको क्या लगता है, क्या हवा रुख सच में बदल पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री मोदी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।